उत्तराखंड के द्वारहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी यौन शोषण मामले ने राज्य के सियासी गलियारे में उथल पुथल मचा दिया है। कांग्रेस लगातार विधायक पर आरोप लगाने वाली महिला के लिए इंसाफ की मांग कर रही है, लेकिन महिला के यौन शोषण मामले में घिरे द्वाराहाट के विधायक की अब घेराबंदी शुरू हो गई है। अल्मोड़ा में आज प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आरोपी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आरोपी विधायक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार पर विधायक को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आंदोलन की कमान खुद संभाल लेने के बाद विपक्षी दल में एक नया जोश भरा नजर आया। जिले के पूर्व विधायक और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस की मांग है कि जल्द से जल्द बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की जाए। कांग्रेस संगठन मजबूत है, यहाँ पर कोई ऐसा विवाद नहीं है। और सही बात है कि जब कांग्रेस में लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तब नहीं, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र में जो है सब लोग अपनी बात कहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। परिस्थितियां कांग्रेस के अनुकूल है और निश्चित रूप से 2022 में सूबे के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं जागेश्वर से कांग्रेसी विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि जब विधायक पर महिला ने आरोप लगाया तो विधायक की FIR दर्ज करने के साथ ही महिला की FIR भी दर्ज होनी चाहिए थी। राज्य सरकार अपने विधायक को बचाने में लगी है। द्वाराहाट की एक महिला ने जिस तरह से यौन उत्पीड़न का आरोप एक सत्ता पक्ष के विधायक पर लगाया है वो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसको लेकर के आज धरना प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है और हमेशा कांग्रेस इसको उठाती रही है कि उसकी गिरफ्तारी तुरंत की जाए और सरकार ऐसी निकली कि वो हमेशा उसको संरक्षण देने का काम किया है। उन्होंने आज तक भी उसके गिरफ्तारी का आदेश करने के लिए पुलिस पर कोई दबाव नहीं बनाया है, आदि निर्देशित नहीं किया है। ये तो न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस FIR करने का आदेश किया है और हम ये चाहते हैं कि ऐसे मामले पर जल्दी से जल्दी जो है आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसकी गिरफ्तारी हो और एक उस महिला को सही न्याय मिल सके। वहीं रानीखेत से विधायक और सदन में उपनेता करण मेहरा ने कहा कि राज्य की पुलिस भाजपा के दबाव में काम कर रही है, इस मामले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक उठाया जाएगा। बीजेपी लगातार महिलाओं के उत्पीड़न में सामने आ रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के संगठन के लोग, संजय जी का प्रकरण अभी बहुत पुराना नहीं है जो देहरादून में हुआ था, वो लड़की का क्या हुआ, उस केस का क्या हुआ, आज तक उसका कुछ पता नहीं है। सेंगर का केस आपने देखा, वो लड़की खत्म हो गई, लड़की का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया और आज सेंगर भले ही जेल में, लेकिन उस लड़की को न्याय नहीं मिला क्योंकि वो मर गई, उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। ये वाले केस में भी लड़की लगातार कह रही मेरी बेटी की जान का खतरा है, मुझे जान का खतरा है, तो सरकार को आगे आना चाहिए और उसकी डिमांड केवल यह है कि मेरे बेटी का जैविक पिता कौन है ये पता चलना चाहिए। वो केवल DNA टेस्ट की मांग करी है और DNA टेस्ट करें, दूध का दूध पानी का पानी करें, अगर सरकार इतनी साफ है, साफ छवि की है, अगर बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का अगर नारा देने वाली सरकार सच में उसमें स्थापित है तो उसको इसमें आगे आके खुद कहना चाहिए कि भाई हमारे महेश नेगी को हम जो है DNA टेस्ट के लिए कह रहे हैं। उल्टा हो रहा है, लड़की की गिरफ्तारी की कोशिश की गई जिसको हाईकोर्ट ने रोका, रोक लगाई और आज महेश नेगी जी के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए, धाराएं लग गई हैं, लेकिन 3 दिन हो गए अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, सदन के उपनेता करण मेहरा, द्वारहाट के पूर्व विधायक मदन बिष्ट, अल्मोड़ा के पूर्व विधायक मनोज तिवारी समेत कांग्रेस के लगभग दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने जिले के गांधी पार्क में हुंकार भरते हुए आरोपी विधायक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार आरोपी विधायक को शुरुआत से ही संरक्षण देने में लगी है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो कांग्रेस इस मामले पर सड़क से लेकर सदन तक सरकार की घेराबंदी करेगी, जिसके बाद कांग्रेस ने विधायक की गिरफ्तारी को लेकर DM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। पंजाब केसरी TV के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट।